हेलो दोस्तों, कॉम्प्यू ऑफिस सॉफ्टवेयर की इस नई सीरीज के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं कि हम कॉम्प्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर के द्वारा जीएसटी और वन के रिटर्न को ऑनलाइन किस प्रकार फाइल करते हैं। यानी कि जब हम किसी कंपनी की किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, टेलीविजी जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग अपने करते हैं और उसके बाद में जब बात आती है उस कंपनी की जीएसटी और वन की रिटर्न को फाइल करने की, तो हम उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से उस कंपनी की जीएसटी और वन की फाइल को एक एक्सेल फाइल में एक्सपोर्ट करते हैं और जो हमने एक्सेल में एक्सपोर्ट करी है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, उसी फाइल एक्सेल फाइल को हम कॉम्प्यू जीएसटी के अंदर इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट करवाने से क्या होगा, भी जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो रिकॉर्ड्स था जीएसटी आर वन से रिलेटेड, भी बी टू बी की इन्वॉइसेस, बी टू सी एस की ट्रांजेक्शन, एच एस एन वाई समरी, डॉक्यूमेंट की समरी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, तो वो सारी का सारा डाटा हमारा इस कॉम्प्यू जीएसटी के अंदर इंपोर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में हम इंपोर्ट करने के साथ साथ और कौन कौन से स्टेप हमें फॉलो करने पड़ते हैं जीएसटी आर वन की फाइल को ऑनलाइन अपलोड करने से पहले कॉम्प्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर में, तो ये सब कुछ आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर 100% प्रैक्टिकल तरीके से सीखने को मिलने वाले हैं। और उससे पहले आपसे एक मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को हमने यूट्यूब की कोई भी पॉलिसी वॉयलेट ना हो, इसलिए हमने सिक्योरिटी पर्पज से इस डाटा को हाइड भी किया हुआ है, जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी से आपको हाइड देखने को मिलेगा। उसके अंदर कुछ नहीं है, केवल कंपनी का नाम है या फिर कुछ ऐसे से जो हमारे क्लाइंट्स हैं या जो हमारी बी टू सी के कुछ इन्वॉइसेस हैं उनके जीएसटी नंबर और उनके नाम हमने हाइड कर रखे हैं सिक्योरिटी पर्पज से। तो जिस नाम से हमने इस डाटा को हाइड किया हुआ है वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप हमें उस इंस्टाग्राम आईडी को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर सेंटर रायसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक भी जरूर कर देना और वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले होम पेज पर और यहाँ आपने सेलेक्ट करेंगे जीएसटी सॉफ्टवेयर को, और जीएसटी सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करने के बाद अपने उस पार्टी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जिसके में जीएसटी आर वन रिटर्न फाइल करनी है। तो हमने उस पार्टी को सिलेक्ट कर लिया और हमने पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद हम इस जीएसटी का जहाँ पर हमें डाटा फिलअप करना होता है उस पेज पर हम आ जाएंगे। तो यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, परमानेंट इन्फॉर्मेशन है, रजिस्ट्रेशन की डिटेल है, लेकिन हमें करना है हमारे जीएसटी आर वन के रिकॉर्ड को फाइल। तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा आउटवर्ड सप्लाई लाइबिलिटी जीएसटी आर वन, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें तो जो हमारे जीएसटी आर वन से संबंधित रिकॉर्ड हो गए वो ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे। अब हमें हमारी एक्सेल फाइल को सिलेक्ट करना है, इम्पोर्ट डाटा फ्रॉम अदर सोर्स, तो अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जैसे अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें इंपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप एक्सेल इंपोर्ट कर सकते हो, टेली से इंपोर्ट कर सकते हो, बीजी सॉफ्टवेयर से इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कॉम्प्यू जीएसटी के साथ आप अटैच करके डायरेक्टली वहाँ आप एक्सेल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। और इधर अपन बात करें तो यहाँ पे आप जीएसटी आर वन कॉम्प्यू जीएसटी है, यहाँ पे ब्लैंक फाइल काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि जो हमने सॉफ्टवेयर से जो हमारी एक्सेल फाइल जनरेट हमने करी है उसको टेस्ट करना है। तो इसके लिए हम जीएसटी आर वन जीएसटी एन की इस सेकंड ऑप्शन पर अपने को जाना है। तो यहाँ अपने अपने ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो उस फाइल को अटैच कर लेंगे, और अटैच करने के बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा प्रोसीड का, अपने इस प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो कुछ सॉफ्टवेयर की तरफ से इसकी प्रोसेसिंग चलेगी जहाँ पर वो उस फाइल को चेक करेगा भी किसी टाइप की कोई एरर तो नहीं है, आपने रिकॉर्ड पर्टिकुलर सही बनाया है, कोई फाइल सीट के अंदर एक्सपोर्ट होते वक्त भी कोई दिक्कत ना आ गई हो सॉफ्टवेयर से, तो ये इस सॉफ्टवेयर को इस कॉम्प्यू जीएसटी चेक करता है। और चेक करने के बाद में कुछ डुप्लीकेट जीएसटी संबंधित डिटेल आती है भी आपने जीएसटी नंबर, आपकी जो एक्सपोर्ट आपने करी थी फाइल उसके अंदर ये नाम आ रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर वो नाम आ रहा है, यानी कि जीएसटी नंबर सेम है, नाम चेंज है। तो आप चाहते हो भी हमें उस जीएसटी नंबर पर्टिकुलर जो आपकी बी टू बी इन्वॉइसेज हैं उसको आप उसी पर्टिकुलर जीएसटी नंबर के में देना चाहती हो, तो नाम आपका कई बार मिसमैच हो जाता है, लेकिन आप इसको ओके पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, डुप्लीकेट जो नाम है उसको उठा देगा, सिंगल नाम को रखेगा। और उसको सब यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने इस प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डुप्लीकेट को हटा देगा और यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगी प्रोसेस कंप्लीट की, अपने इस ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने इस ओके पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा एक्सेल का डाटा था वो सारा का सारा यहाँ पर अब इंपोर्ट हो चुका है।
अब वापस हमें इसको आउटवर्ड सप्लाई लाइबिलिटी GST R1 पे क्लिक करना है। अब क्लिक अपने इसलिए कर रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें भी हमारी जो डिटेल है सॉफ्टवेयर के अंदर, टेलीबीजी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो प्रॉपर हमारा जून का डाटा वो आ रहा है या नहीं आ रहा। यहाँ पर आप टैक्सेबल सप्लाई है, GST की सप्लाई है, टैक्स फ्री सप्लाई है, HSN कोड की डिटेल है, तो यहाँ B2B के इन्वॉइसेज हैं वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो सारे नाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एग्जिट पे अपने क्लिक करके वापस आ जाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रिकॉर्ड हमने चेक किया है ये हमारे टोटल डिटेल जो हमें GST R1 के अंदर देते हैं, HSN वाइज डॉक्यूमेंट इशू की डिटेल है, सप्लाई थ्रू इन्वॉइस है, ये सारे डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमने जो एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर ली है, अब इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करेंगे, GST सेल पे इसको अपने सेव करेंगे। तो इसके लिए ऑप्शन आता है सेव GST डाटा का, और यहाँ पर आपका मेथड आएगा अपलोड का, आप इसको OTP के साथ अपलोड कर रहे हो पोर्टल पे या विदाउट OTP। तो हम विदाउट OTP जाएंगे, इसमें क्या होगा आपको कैप्चा कोड देना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड दे देते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अपने ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ प्रोसेसिंग रहेंगे सॉफ्टवेयर की तरफ से, इस विंडो को अपने गेट स्टेटस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद होगा क्या, ये हमारा पोर्टल पे डाटा चला गया, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार गेट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से क्या होगा भी हमारा डाटा हम चेक करेंगे भी जो हमने डाटा कर दिया पोर्टल पे जो सेव किया वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोसेसिंग चलने के बाद हमें यहाँ पे मैसेज दे देगा भी डाटा अपलोड सक्सेसफुली, ठीक है। अगर कोई एरर होगी तो यहाँ पर हमें एरर भी शो करेगा, यहाँ आप देख सकते हो डाटा अपलोड सक्सेसफुली, क्लिक फाइल रिटर्न एंड GST इफ सेव डाटा फाइनल और नो फर्दर चेंज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कोई चेंजिंग नहीं है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो अपने इस विंडो को कर देंगे कैंसिल, हमारा डाटा बिल्कुल सही है। तो अब इसके बाद में हमें काम बचते हैं कंपेयर विद GST डाटा, यानी कि हमने जो डाटा ऑनलाइन पोर्टल पे सेव किया है और जो हमारे बुक्स के अंदर जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उसके अंदर कोई मिसमैच तो नहीं है, यानी कि आपका कोई रिकॉर्ड सारा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो B2B की जो इन्वॉइस है वो 43 इन्वॉइसेज आ रही है, ठीक है। B2C जो हमारी एग्जाम सप्लाई है, टोटल हमारा रिकॉर्ड हमने इंपोर्ट किया था, ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर। और आपका पोर्टल से कोई रिकॉर्ड, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं हो इसके अलावा पोर्टल पे आपका कोई अदर से कोई रिकॉर्ड आ रहा हो, तो उसको भी हमें एक बार यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। अभी देख सकते हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का रिकॉर्ड ही आ रहा है। अपने विदाउट OTP पे चलेंगे, और विदाउट OTP पे जाने के बाद में क्या होगा भी अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हमारा ऑनलाइन पोर्टल से प्रोसेस कंप्लीट इसने कर दिया, और करने के बाद अब यहाँ देखोगे भी पोर्टल पे भी आपका वही रिकॉर्ड आ रहा है जो आपने फाइल हमने इसके अंदर इंपोर्ट करवाई थी, तो सेम आपका डाटा आ रहा है। अगर इसके अंदर कोई एरर होगा तो ये आपको रेड कलर के अंदर इसकी वार्निंग कर देगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर 43 और ऑनलाइन भी 43, और वही आपकी टोटल वैल्यू आ रही है। तो ये सब कुछ आपको एक बार वेरीफाई जरूर करेगा सॉफ्टवेयर, ताकि कोई मिसमैच है तो पता चल जाए B2C की आपकी टोटल इन्वॉइसिंग, टोटल वैल्यूज, नील एग्जाम सप्लाई, HSN कोड, डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ चेक करेगा। तो ये सब कुछ चेक करने के बाद हम ऑप्शन पे जाते हैं सेव एंड एग्जिट पे, अपने सेव एंड एग्जिट पे क्लिक करेंगे। तो एग्जिट क्लिक करने के बाद वापस हम उसी जगह वापस आ जाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद अब हमारा काम बचता है फाइल रिटर्न एट GST, यानी कि रिटर्न को फाइनली अब हमें सबमिट करना है, सब कुछ हमने चेक कर लिया। तो अपने फाइल रिटर्न पे इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में आपसे ऑप्शन पूछेगा मेथड GST R1 का, तो हम जाएंगे विदाउट OTP के साथ में। तो अपने विदाउट OTP पे सिलेक्ट क्लिक कर दिया, और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप विद OTP जाओगे तो क्या होगा भी आपका रजिस्टर्ड मेल ID पे OTP जाएगा, आप विदाउट OTP के अंदर में कैप्चा कोड देना होता है। हमने विदाउट OTP किया, तो अब ये कुछ प्रोसेसिंग रहेगी सॉफ्टवेयर की तरफ से, जहाँ पर एक बार हमें डाटा वेरीफाई करने के लिए एक बार और बोलेगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल आपकी B2B, B2CS, नील रेट और HSN की समरी आपको शो करेगा, बिल्कुल ओके है, तो हम प्रोसीड टू सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया, और उसके बाद में आपका ये सबमिट GST R1 से संबंधित कुछ डिटेल भी, आर यू श्योर जो सबमिट GST R1, नो चेंज कैन बी मेड आफ्टर सबमिट, यानी कि आप फाइनल सबमिट कर रहे हो, कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम विदाउट OTP के साथ यहाँ पे भी जाएंगे GST R1 पे, और जैसे अपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर हमें डायरेक्टली अब रिडायरेक्ट कर देगा GST की वेबसाइट पर, जहाँ पर ये यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटोमेटिक पिक कर लेगा सॉफ्टवेयर से, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो हमें लिखना पड़ेगा मैन्युअली। तो हम यहाँ पर प्लीज़ एंटर कैप्चा, इसको ओके करेंगे, और यहाँ पर हम कैप्चा कोड को लिख देते हैं, और लिखने के बाद हम करेंगे लॉगिन पर क्लिक।
तो जैसे अपने लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा ओपन हो जाएगा, हमारा लॉगिन हो जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पर कुछ प्लीज़ वेट आ रहा है, तो प्रोसेसिंग चल रहा है सॉफ्टवेयर की तरफ से। तो वो जितना हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा था वो सारा का सारा यहाँ पर पोर्टल पे अपलोड हो रहा है। और यहाँ पर ये फाइल रिटर्न की डिटेल सारी, पीरियड कौन सा जून मारा, और यहाँ पे जैसे हमने सर्च पे क्लिक किया तो सारा ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर एक बार प्लीज़ चेक के लिए कन्फर्मेशन मांग रहे हैं, तो हम इसको करेंगे यहाँ से ओके, क्योंकि हमें ओके इसलिए करना है, एक बार हम दोबारा इसको वेरीफाई करेंगे भी जितनी हमारी इनवॉइसिंग हमें सॉफ्टवेयर में दिख रही थी उतना हमारा डाटा पोर्टल पे भी आ गया या नहीं आ गया। B2B B2C एग्जाम्ड की सेल, HSN के डॉक्यूमेंट समरी, ये सारी समरी हमें एक बार वेरीफाई कर लेनी है। तो सब कुछ ओके है, तो उसके बाद हमें फाइनल सेलेक्ट करना होगा फर्स्ट टू फाइल रिटर्न पे। और उसके बाद में हमारा सारा प्रोडक्ट आई हुए पे क्लिक करेंगे, ऑथराइज सिग्नेचरी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फाइल विद OTP के साथ सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर मेल ID पे OTP जाएगा, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे लॉग आउट करने के बाद वापस हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगे। और जैसे हमने वापस सॉफ्टवेयर पे आए तो हमारा जो GST से रिलेटेड जो हमारा डाटा है, आपका GST R1 है, जो आपका ARIN नंबर है, फाइल है, कब हुआ है, वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर गेट हो जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ ऊपर देख रहे हो भी हमने जो GST R1 रिटर्न फाइल कर दी है, तो वहाँ पर ऑप्शन आ रहा है GST R1 फाइल ऑन 6 जुलाई 2024।